स्मार्टी मरे, स्मार्टी की आत्मा उठता है। हेलो, क्या कर रहा है भाई तू? ऊपर नीचे जिम कर। सो अभी जो मैंने आपको एक क्लिप दिखाई है वो कोई नॉर्मल क्लिप नहीं है। बेसिकली उस वाले क्लिप में इतनी तगड़ी डिटेल छिपी हुई है जो कि आप में से 99% तो क्या 100% बंदों ने भी नोटिस नहीं किया होगा। और भाई मुझे भी पता है कि तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई वो एंटिटी कौन थी जो कि एसजीओ फाइन लाइब्रेरियन को परेशान कर रही थी। तो इसका आंसर आपको एंड में मिलने वाला है, तो यार वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। बाकी अभी मैं जस्ट सोकर ही उठा था तभी मेरे को पता लगता है कि भाई एसजीओ फाइन ने अपना सीजन स्टार्ट कर दिया है। और भाई जैसा हमने गेस किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। और गाइस लिटरली एसजीओ फाइन की वीडियो कल शाम को ही आ गई थी बट मुझे आज सुबह पता लगा, तो अभी सुबह मैं तुरंत उठकर वॉइस ओवर करने बैठ गया हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को उसी वीडियो की कुछ हिडन डिटेल्स को बताने वाला हूँ। बाकी अभी बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपने पहले हिडन डिटेल की ओर। बट भाई ये वाली हिडन डिटेल जानने से पहले आप लोग इस वाले क्लिप को देख लो, बिकॉज इसी वाले क्लिप में ये वाली हिडन डिटेल छिपी हुई है। तो क्लिप को एकदम ध्यान से देखना। पर ये चीज, ओ भाई यार मैं गलती से लाइट से कुछ गड़बड़ कर दूंगा यार। अरे भाई तू आर्मर बाद में, मैं तुझे मुझे ऐसे आर्मर पहन के क्यों आ गया भाई? मैं डर। ओके, सो आई थिंक तुम लोगों ने नोटिस कर लिया होगा। तो भाई यहाँ पर जब लाइब्रेरियन आर्मर पहनकर आता है तो भाई पीछे से कोई ट्राइडेंट शूट करता है जो कि भाई इस लकड़ी पर लग जाता है और यहाँ पर आग भी लग जाती है। और भाई मेरे ख्याल से ये वाला ट्राइडेंट उस एंटिटी ने ही शूट किया होगा। बाकी गाइस क्या तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पर जो लकड़ी जल रही थी भाई बाद में अपने आप बुझ गई थी? और भाई ऐसा होना नहीं चाहिए था, बिकॉज एक लकड़ी जलती है तो भाई सारी लकड़ियां जल जाती हैं। तो अभी बात कर लेते हैं अपने अगली हिडन डिटेल के बारे में। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ आप लोग इस वाले छोटे से क्लिप को देख लो, बिकॉज इसी वाले क्लिप में वो वाली हिडन डिटेल छिपी हुई है। हाँ बोलो बोलो। मेरा लाइब्रेरियन आपके साथ है? हाँ उससे ही तो मुझे बचाया। उसने बचाया? हाँ? ओके, सो आई थिंक तुम लोगों ने क्लिप को देख लिया होगा। तो भाई यहाँ पर जब लाइब्रेरियन और एसजीओ भाई जा रहे होते हैं तो यहाँ पर हमको ये वाला फूल दिखता है जो कि भाई एकदम हवे में टंगा हुआ होता है। और भाई ये हिमलैंड के लगभग हर वीडियो में होता है। तो गाइस क्या तुम लोगों ने इस चीज को नोटिस किया था? कह रहे थे छोटी सी बात थी। तो अभी बढ़ते अपने अगले हिडन डिटेल की ओर। तो गाइस ये वाली जो हिडन डिटेल है वो थोड़ी समझने लायक है, तो यार आप क्लिप को एकदम ध्यान से देखना जिससे आप एकदम समझ सको। तो अभी आपके सामने एक क्लिप प्ले होने वाली है जो कि आपको एकदम ध्यान से देखना है। ओके ओके ओके, आराम तोड़ो। अरे टूट क्यों नहीं रहे हैं भाई? आप बिल्कुल नीचे आओ, केज के बिल्कुल नीचे आओ। मैं केज के नीचे निकलो। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि भाई एसजीओ ने नीचे से प्रिजन के स्टोन को तोड़ दिया था जबकि भाई वो अनब्रेकेबल था। और भाई अगर वो इस ट्राइडेंट की हेल्प से नीचे का स्टोन तोड़ सकते थे तो भाई ये तो काम वो प्रिजन के अंदर भी रहकर वो कर सकते थे। बट भाई उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता, बट क्या आप लोगों ने इस चीज को नोटिस किया था? एंड फाइनली अभी बात कर लेते अपनी सबसे तगड़ी एंड मेन हिडन डिटेल के बारे में जो कि भाई इस समय सभी के मन में चल रहा होगा। तो एसजीओ भाई की वीडियो में जो ये वाली एंटिटी आई थी जो कि भाई स्मोक बन के हवा में उड़ रही थी, तो भाई मेरा शक तो केवल दो लोग पर ही जाता है। पहला तो होगा लाला, बिकॉज जब वो प्रिजन से निकला था तो उसके भी शरीर से वो ब्लैक ब्लैक पार्टिकल निकल रहा था। तो हो सकता है ये कोई उसकी नई पावर हो जिसकी वजह से वो सब लोग को परेशान कर रहा हो। एंड भाई ये 70% सही भी हो सकता है। बाकी अगला शक मेरा जा रहा है उस वाले एंटिटी पर जो कि भाई लाइव स्ट्रीम में दिखा था जिसे सब लोग नल बोल रहे थे, बट वो नल नहीं है, बिकॉज भाई नल के भी पास ये वाली पावर होती है जो कि स्मोक बनकर हवा में उड़ सकती है। तो गाइस इस चीज पर आप लोग को क्या लगता है कि वो एंटिटी होगा लाला थी या फिर वो नल था? आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। बाकी गाइस दैट्स इट आज के वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे आप हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना कर सके। बाकी मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।